जिस हिसाब से सुष्मिता बोलती हैं, एक्टिंग करती हैं, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। अभी भी बहुत ध्यान से सुन रही थी आप। जब ये बात करती है तो मैं बहुत ध्यान से ही सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बातें करती हैं। और जहाँ तक सीखने की बात है, मैंने इनसे भी बाकी शाहरुख, फरदीन, जितने भी हमारी कास्ट है, उन सबसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है। जैसे एक बार मेरे को स्पेशली याद है, तेरी आंखें मुझको तके शूट कर रहे थे, तो लेट हो रहा था, तो मैंने मेकअप वाले को कहा कि जाइए जाइए जाइए, शॉर्ट रेडी है। तो कृष्ण ने मुझे स्पेशली रोक के कहा, नो नो नो, क्लोज अप, मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्पेशली मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया कि नहीं, क्लोज अप शॉट है तो। अच्छा, अभी मैंने इशिता से बात करते हुए नोट किया, सुष्मिता हीरो भी आपका डिंपल वाला है, हीरोइन भी आपकी डिंपल वाली है। और आप मुझे क्या क्या मतलब है, यू डोंट नोटिस माय लेफ्ट? वही तो मैंने, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आई एम वेरी 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 अपसेट। अब अगर आप शिमर से बात कर रहे होते तो शिमर वुड हैव जस्ट सेड व्हाटएवर, आउट विद इट, दिस इंटरव्यू इज ओवर। हाउ कैन यू नॉट नोटिस दिस डिंपल? आई मीन इट्स राइट देयर। क्या होता है जब आंखों में जो कशिश है वो डिंपल तक नहीं आती? आपका ध्यान खातूनों की तरफ ज्यादा है, यहाँ पे तो डायरेक्टर भी डिंपल वाला है। नहीं नहीं, हम नहीं देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे। वैसे नहीं, अच्छे लगते। मनीष, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दिखाइए जरा। नहीं नहीं, वो मैं दैट्स द शाहरुख खान स्माइल दैट आई यूज टू मास्टर इन माय कॉलेज डेज, जिसकी वजह से मैंने एक इनकलकेट किया। डिंपल मुझे आता नहीं है नॉर्मली। इस फिल्म में आप बहुत सारे डिंपल्स देखेंगे, बिकॉज इट्स अ हैप्पी मूवी। डिंपल कपाड़िया छोट। ओके, व्हाटएवर, दिस फिल्म इज ऑल अबाउट प्योर एंटरटेनमेंट। प्योर एंटरटेनमेंट मतलब इधर कोई एक फ्रेम नहीं है, कोई एक डायलॉग नहीं है विच ऑफेंड यू, विच मेक्स यू से कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगा। सो फ्रॉम ऑल एज ग्रुप, फ्रॉम माय डॉटर हु इज 10 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह टू आई थिंक समवन एट 80, इट्स द काइंड ऑफ फिल्म दैट गिव्स एवरीबॉडी अ डिंपल। और स्क्रीन पे शाहरुख का एक साथ आपके साथ नजर आना, वो एक डेफिनेटली एक जी, हमारी तो जो जहां से मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया मैमूना में, वो केमिस्ट्री अब वो चली आ रही है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि शाहरुख के नाया बैक इन अ फिल्म लाइक दूल्हा मिल गया, बिकॉज इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। जहां पर मैं हूं ना, मैं जिस तरह से हमें प्रेजेंट किया गया था, वहां से बिल्कुल हटके है, बट स्टिल मैजिकली मुदस्सर हैज मैनेज टू कीप दैट केमिस्ट्री गोइंग ब्यूटिफुली। आपने अगर गाने देखे हैं फिल्म के, तो यू कैन फील इट। दूल्हा मिल गया और फिर वो अपना कवाली दिन रुबाउ के चलते, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स। आपकी फिल्म में कव्वाली भी होती है, मैं हूं ना में भी कव्वाली थी एक बार। अरे बिल्कुल, मतलब जैसे फरा उस कव्वाली को बुलाती थी, दिस इज कव्वाली ऑन एसिड, दैट वन वॉज, दिस वन इज जुगलबंदी, जहां पर बहुत ही कमाल तरीके से मुदस्सर ने जुगलबंदी लिखी है बिटवीन शाहरुख एंड मी, वेयर वी आर टीजिंग ईच अदर विद ईच अदर फिल्म नेम्स। सो यू विल कैच शाहरुख वेयरिंग अ क्राउन एंड अ सैश एंड डूइंग द ऑल दैट, सो इट्स गोइंग टू बी फन इफ यू कम एंड सी द फिल्म। मुदस्सर, अगर दूल्हा मिल गया को मुझे एक कैटेगरी में डालना है तो किस कैटेगरी में डालूंगा मैं? बहुत मुश्किल है। फैमिली एंटरटेनर बहुत मुश्किल है एक्चुअली। हाँ, शायद आप कंफर्टेबली कई सालों के बाद इसे एक फैमिली एंटरटेनर कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपने फैमिली फिल्म नहीं कहा लकीली, वरना अगर आप मुझसे कहते फैमिली फिल्म है तो मैं कहता नहीं, फैमिली फिल्म भी नहीं है, इट इज एन एंटरटेनर। इट्स एक ऐसी कहानी है जो आपकी मेरी किसी की भी जिंदगी की कहानी हो सकती है, इसलिए क्योंकि हम सब मुख्तलिफ इंसान हैं, हम सब के रिश्तों को लेकर नजरिए मुख्तलिफ। तो जब हम चार ऐसे किरदारों को देखते हैं स्क्रीन पे जिनकी ना तो कोई गलती है ना कोई इम्परफेक्शन है, कुछ नहीं है, बस उनकी अपनी उनका अपना अपना एक नजरिया है रिश्तों को देखने का, और उन चारों को एक सिचुएशन में डाल देते हैं तो वो कहानी को डिस्क्राइब कर पाना, उसमें ह्यूमर भी आ जाता है, उसमें रोमांस भी आ जाता है, उसमें इमोशन भी आ जाता है, तो इट्स बट हाँ, और लास्ट सीन में हॉरर भी आ जाता है, जिस तरह से डायरेक्टर साहब ने मुझे तैयार किया है लास्ट सीन के लिए क्लाइमैक्स में, द हॉरर पार्ट ऑफ द जॉनर इज ऑल्सो देयर इन द मूवी, प्लीज। तो सुष्मिता, ये जानूंगा कि हॉरर पार्ट क्या है दूल्हा मिल गया क्या? अभी एक ब्रेक लेना पड़ेगा, तो आप ही ब्रेक ले लीजिए। ऑलराइट, सी यू लाइटर, दिस इज श्रीमा साइन, बाय।